एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपसे के साथ शेयर करूंगी अमेजोन होम डेकोर एंड किचन आइटम हॉल। इनमें से ऑलमोस्ट आइटम जो भी मैंने मंगाए हैं मैं उनको यूज कर रही हूँ। सिर्फ एक दो आइटम हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो इनका रिव्यू भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि इनको मंगाना एक वर्थ बाय है या नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और वीडियोज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन के लिए मैंने क्या क्या मंगाया है। उसमें सबसे पहले मैंने मंगाया है ये टी केटल सेट। इसमें ये दो कप आए हैं, एक केटल आई है। केटल का साइज भी ठीक है कि दो नहीं तीन चार लोगों के लिए आराम से इसमें चाय आ जाती है। और ये इसके साथ ये ट्रे आई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सेट है। इवनिंग में आपको बालकनी में बैठ के जब चाय पीने का मन होता है तो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसमें आराम से यहाँ पर आपको चाय के साथ जो भी स्नैक्स लेने हैं, कुकीज लेनी है, आपको बिस्किट लेने हैं या नमकीन लेनी है, वो भी यहाँ आराम से आ जाएगी। और इसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी है, ये ओवर प्राइस है। इसका प्राइस 850 रुपीज़ समथिंग है। एग्जैक्टली प्राइस मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत प्यारा सेट लगा है, स्पेशली इसका जो ब्लू एंड वाइट कलर का इसमें ये जो प्रिंट है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बहुत अच्छी फिनिशिंग है और मतलब आप इसको मंगा सकते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, अगर प्राइस का इशू ना हो, क्योंकि प्राइस मुझे भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। सेकेंड आइटम जो मैंने किचन के लिए मंगाया है वो है ये सैंडविच कटर। सैंडविच कटर की थोड़ा सा नीड मुझे इसलिए लगी कि ब्रेकफास्ट में जब सैंडविच बनाते हैं उसमें प्रॉपर सैंडविच के अंदर हम वेजिटेबल्स फिल करते हैं, तो जब उसको नाइफ से कट करते हैं तो वो प्रॉपर कट नहीं होता, या तो ब्रेड कभी टूट जाती है, शेप में नहीं कटती, या थोड़ा सा वेजिटेबल कई बार काटते काटते बाहर आ जाती है। तो उसके लिए मुझे इसकी थोड़ा सा नीड लगी थी, तो मैंने ये मंगा लिया। सिंगोरावेयर का ये मैंने मंगाया और काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है किचन के लिए बिल्कुल एक मस्ट है वो आइटम है जो हमारे पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट आइटम जो मैंने किचन के लिए मंगाया है वो मंगाया है ये ऑयल डिस्पेंसर। ये मैंने इसलिए मंगाया है, इससे पहले जो मेरे पास ऑयल डिस्पेंसर था वो स्टील में था, और उसका जो नोजल था ऑयल निकलने का वो थोड़ा सा मोटा था कि उसमें कितना भी आराम से ऑयल निकाले तो ऑयल थोड़ा सा एक्सेस निकल ही आता था। और नॉन स्टिक में जब हम खाना बनाते हैं तो हमें बहुत ही हल्के से ऑयल की ज़रूरत होती है, एक्सेस ऑयल की उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसका जो नोजल है ये इस टाइप से है, बिल्कुल बहुत ही हल्का हल्का सा इसमें से आएगा ऑयल। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी निकल आएगी, और इसको यूज़ करना भी बिल्कुल मुझे कन्वीनियंट लगा। उसकी कैप हटाओ, देन कैप लगाओ, इसको आप यहाँ से ऐसे बंद कर दीजिए और इस टाइप से निकाल लीजिए। और सेकंड, ये ग्लास में है। ग्लास के जो भी पॉट वगैरह होते हैं या कुछ भी स्टोरेज के लिए होता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ग्लास में सेव करना कंपेरिजन ऑफ प्लास्टिक, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसकी प्राइस मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूँगी, प्राइस वगैरह मुझे याद नहीं है, और बिल्कुल बेस्ट आइटम मुझे लगा है। अगर आपको भी ऑयल डिस्पेंसर की नीड है या आप मंगाने का सोच रहे हैं तो आप इसको मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आइटम जो मैंने किचन के लिए मंगाया है वो है ये फोर क्लिप्स। इस टाइप से आए हैं, ये फोर पैकेट आए हैं, ये इसके अंदर है, फोर पैकेट आए हैं। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये दो साइज में आई हैं, एक ये थोड़ा सा बड़ा साइज है और दूसरा इसके अंदर ये थोड़ा छोटे साइज में आया है, कि अगर आपका पैकेट थोड़ा छोटा है तो ये लगा लीजिए और थोड़ा बड़ा है तो आप ये लगा सकते हैं। जब हम किचन में कुछ भी सामान यूज़ करते हैं, चाहे आप कुछ स्नैक्स वगैरह यूज़ करें, आटा मसाले जो भी आप यूज़ करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ये आपकी किचन में इतना स्पेस नहीं होता आपके पास जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं कि हर आइटम को आप अलग अलग एयर टाइट कंटेनर में रख पाएँ। तो अगर आपने पैकेट ओपन कर दिया है तो उसको एयरटाइट कंटेनर में भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो सामान है, मसाले हैं, आटा है, जो भी आपने ओपन किया है या कुछ स्नैक्स वगैरह है, नमकीन वगैरह है, वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, उसमें सीलन आ जाती है। तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है कि आपने जो भी पैकेट ओपन किया है ऊपर से उसको बंद करके ये क्लिप लगा दीजिए, इस टाइप से ये है, और आप उसे इस टाइप से लगा दीजिए, बिल्कुल उस पैकेट को ये एयरटाइट कर देती है। बहुत ही बेस्ट आइटम मुझे किचन के लिए लगा है, और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाएंगी। ये अराउंड 200 समथिंग रुपीज़ के मुझे फोर पैकेट मिले हैं, और एक पैकेट में आई थिंक ये 10 to 15 इसमें क्लिप्स हैं। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो में शेयर कर दूँगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप इसको मंगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैंने मंगाए हैं वो मंगाए हैं मैंने ये 6 पीस ऑफ कप कोस्टर। ये 3 पीस ये हैं और 3 पीस ये हैं। ये जूट के बने हुए हैं, हैंडमेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप इनको एज ए बेवरेजेस कोस्टर, कप कोस्टर तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इनको एज ए डेकोरेटिव पीस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे अपने बेड के दोनों साइड जो साइड टेबल है उस पर मैंने कैंडल रखी हुई है, उस कैंडल के नीचे मैं इनको लगा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने कोई पॉट वगैरह रखा है तो भी उसके
नीचे आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे ये मुझे मिल गया था। ये 250 रुपीज़ समथिंग का है। इसकी प्राइस एग्जैक्टली मैं नीचे वीडियो में मैंशन कर दूँगी, इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। अगर आप भी हैंडमेड इस टाइप के कोस्टर देख रहे हैं या आपको अच्छे लगे हैं तो आप भी डेफिनेटली जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने होम डेकोर में क्या क्या मंगाया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वॉल हैंगिंग, ये दो पीस आए हैं इस टाइप से। ये मैं आपको एक दिखा देती हूँ क्योंकि दोनों सेम हैं। इसमें ये इस टाइप से हैंग करने का है और यहाँ पे इतने में इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, नीचे ये पूरा इस टाइप से ये स्ट्रेट है और ये हैंडमेड है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीस है। आप अगर अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ देख रहे हैं, ड्राइंग रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी, आप इसको ज़रूर मंगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीस है और ये 350 रुपीज़ समथिंग कुछ मुझे मिल गया। इसका एग्जैक्टली प्राइस मैं नीचे वीडियो में मैंशन कर दूँगी और पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये। और नेक्स्ट आइटम जो मैंने मंगाया है वो मंगाया है मैंने ये एक स्टैंड, ये इस टाइप से होगा, कहाँ टंग गया, इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से होगा। ये मैंने बालकनी के लिए मंगाया है, इस पर पॉट वगैरह रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जब मैंने देखा था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत प्यारा पीस है। आप चाहें तो इसको अंदर ड्राइंग रूम में भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने अगर प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं तो उस पर ये तीन प्लांट इस टाइप से रख दीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो बेडरूम में भी लगा सकते हैं। और मैंने तो ये बालकनी के लिए मंगाए हैं, या तो मैं इनको बालकनी में लगाऊंगी या ड्राइंग रूम में लगाऊंगी, इस पर पॉट वगैरह रख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसका प्राइस भी मैं नीचे वीडियो में शेयर कर, प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है इसका, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी जाके एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो मैंने होम डेकोर के लिए मंगाया है वो भी है ये, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया था कि इस पर मैं तीन पॉट रखूंगी, जो स्टैंड मैंने मंगाया है ये भी उसी टाइप से है। ये मैंने कॉर्नर में रखने के लिए मंगाया है, इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से। और इस पर कॉर्नर में आप चाहें तो कोई भी एक जो भी पॉट वगैरह है उसमें आर्टिफिशियल आपने फ्लावर लगाए हुए हैं वो रख सकते हैं, या कोई भी एक डेकोरेटिव पीस जो आपको अच्छा लगता है कॉर्नर में लगा के आप इस पर रख सकते हैं। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसको, इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस भी मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों ही पीस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इनको बालकनी में भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, जो भी जिस टाइप से भी आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहें उसी टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ ये मुझे लगे हैं। और नेक्स्ट आइटम जो मैंने होम डेकोर में मंगाया है वो है ये पॉट कवर। ये आप देखिए, ये मुझे घर में एक कॉर्नर डेकोरेट करना है तो उसी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा कुछ शॉपिंग करनी हूँ कि कॉर्नर जब आप घर में डेकोरेट करते हैं तो वहाँ पे आप बैठ के बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं, या आपको शाम को चाय वगैरह पीनी है, या फ्री टाइम आपको कुछ भी करना है आप बैठिए, अगर अच्छे से एक कॉर्नर डेकोरेट है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो कॉर्नर मुझे थोड़ा सा कलरफुल डेकोरेट करना है तो उसी के लिए मैंने ये मंगाया था। इसका प्राइस मैं नीचे वीडियो में मैंशन कर दूँगी, इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इस टाइप से ये जूट में भी अवेलेबल थे, आप चाहें तो जूट में भी खरीद सकते हैं, बट मैंने जूट में इसलिए नहीं लिया कि मुझे थोड़ा सा कलरफुल चाहिए था और जूट में वो नहीं हो पा रहा था। पर जूट में भी जो अवेलेबल थे वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है ये पीस। नेक्स्ट आइटम जो मैंने मंगाया है वो है ये रग। ये रग भी ऐसे ही कलरफुल है, जिस टाइप से मैंने ये फ्लावर पॉट के लिए कवर मंगाया था उसी से मैचिंग का मैंने ये रग मंगाया है। ये रग राउंड में है और ये भी मैंने जो भी मैं एक कॉर्नर अपना डेकोरेट करने का सोच रही हूँ उसके लिए मैंने मंगाया है। थोड़े से ये बिल्कुल कलरफुल सा मुझे वो कॉर्नर डेकोरेट करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका प्राइस भी मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। अगर आप भी इस टाइप से कोई रग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इसको मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा है और बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल कलरफुल। जब आप इसको किसी भी घर के कॉर्नर में यूज़ करते हैं, आप अपने बालकनी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बालकनी को थोड़ा सा डेकोरेट करना है कि इवनिंग में, मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम आप बालकनी में स्पेंड करते हैं तो वहाँ भी आप इसको रख के अपनी बालकनी को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं।
और अब मैं दिखाती हूँ आज की वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम, वो मैंने मंगाई है एक रैक। रैक कम इसको स्टोरेज के लिए जो भी एक ऑर्गेनाइजर आते हैं उसको, वो आप इसको बोल सकते हैं। ये जो साइड में पिक्चर है ये मैंने मंगाई है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने वॉशरूम में लगाई हैं। वॉशरूम के लिए मुझे एक इस टाइप से कोई भी एक ऑर्गेनाइजर या कोई रैक टाइप चाहिए था जिसमें मेरा सारा सामान स्टोरेज हो जाए, और बहुत अच्छे से इसमें सामान स्टोरेज हो जाता है। बिल्कुल स्लीक सी है, आप घर के किसी भी कोने में इसको सेट कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ सोफे लगाए हैं, कई बार होता है कि कुछ अलमीरा है या सोफे हैं या कोई भी टेबल वगैरह रखी है साइड में, घरों में जो थोड़ा सा एक स्पेस बच जाता है वहां पे आप इसको सेट कर सकते हैं। किचन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इतने अच्छे से सारा सामान इसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस है 799 रुपीज़। मुझे बहुत ही ज्यादा ये अच्छी लगी है। अगर आप भी इस टाइप की कोई रैक देख रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको मंगा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।